जो अव्वल बना है मेरा मुस्तफा है, मेरा मुस्तफा है। रमज़ान, एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ और आप से बात कर सकता हूँ, इतना कोई और करीब है? अगर बंदे को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है, तो सब ये तमन्ना करें कि काश सारा साल ही रमज़ान हो। कौन से बादशाह हर साल अपने हाथों से कुरान पाक लिखते थे? वो माह फ़िरोज़ा, वो नई ताबा, वो माह फ़िरोज़ा, वो नई ताबा, मेरा मुस्तफा है, मेरा मुजतबा है, वो 12 रबीउल अव्वल को आया, वो 12 रबीउल अव्वल को आया, जो अव्वल बना है मेरा मुस्तफा है, मेरा मुस्तफा है, मेरा मुस्तफा है। तो क्या तूने देखा वो आना वो जाना, हैरत में है अब तलक ये जमाना, हैरत में है अब तलक ये जमाना, वो रब का बुलाना सबको दिखाना, वो रब का बुलाना सबको दिखाना, कि जो आ रहा है मेरा मुस्तफा है, मेरा मुस्तफा है, मेरा मुजतबा है। वो किस्सा हलीमा के आंगन का पूछो, जवानी को छोड़ो तुम बचपन का पूछो, जवानी को छोड़ो तुम बचपन का पूछो, अभी मुस्तफा ने हिलाई है उंगली, अभी मुस्तफा ने हिलाई है उंगली, कमर से तो पूछो, कमर से तो पूछो, किधर जा रहा है मेरा मुस्तफा है, मेरा मुजतबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं मेरे सारे फैमिली मेंबर जो मुझे रोज़ाना देखते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली? और आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। जी, आज जैसे कि आप सबको जुम्मतुल अलविदा बहुत बहुत मुबारक हो, और पता भी नहीं चला कल से हम लोग, जैसे कल की बात है, कल हम लोग साथ में थे और अब कुछ ही दिन रह गए हैं दूसरे से जुदा हो जाएंगे, और माह रमज़ान अपनी रहमतों और बरकतों के साथ आया और बहुत सारी रहमतें और बरकतें हम जैसे गुनहगारों ने कोशिश की कि समेट सकें। तो मैंने यहाँ पर एक बात पढ़ी थी, तो मैंने कहा क्यों ना वो भी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूँ। रमज़ान, एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ और आप से बात कर सकता हूँ, इतना कोई और करीब है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी, और इस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश खोंट, प्यासी ज़बान, सूखी हुई आंखें और भूखे पेट जब अफ्तार करने बैठेगी तब मैं उनके इतना करीब होऊंगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का भी फासला नहीं होगा, और वो जो दुआ मांगेंगे कबूल
जो भी वो दुआ मांगेंगे कबूल करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। सुभान अल्लाह, अगर बंदे को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो सब ये तमन्ना करें कि काश सारा साल ही रमज़ान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने क्या क्या करामात हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम लोगों पर, हम गुनहगार लोगों पर इतने करम और इतनी नवाजिशें की हैं। तो माह रमज़ान, जैसा कि अब आपको पता है कि कुछ ही दिनों का मेहमान है हमारे पास और उसके बाद वही नॉर्मल ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, तो कोशिश करना है कि जो रूटीन अभी हम लोगों ने बनाई हुई है, जो हम लोगों की रूटीन है, जैसे हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जो दूसरे लोगों का ख्याल रख रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, अफ्तारियाँ करवा रहे हैं लोगों को और बहुत कुछ अल्लाह की राह में दे रहे हैं, तो कोशिश करनी है हम सब ने कि वो सिर्फ इसी रमज़ान मुबारक में नहीं, इसके अलावा भी जितने भी और माह होंगे उनमें भी कोशिश करनी है कि हम इस मदद को इस तरह ही कंटिन्यू रखें। तो चलते हैं जी आज के सेगमेंट की तरफ। और आज का जो हमारा सेगमेंट, इसमें मैं आपके लिए रोज़ाना कोई ना कोई किस्सा लेकर आती हूँ और आज का जो किस्सा है, चलते हैं वो किस्सा मैं अब आपको बयान फरमाती हूँ। तो आज का जो किस्सा है जी, उसमें एक शख्स होता है, वो मछलियाँ जो है लेने जाता है, रोज़ाना मछलियाँ पकड़ता है, पकड़कर और उसी से अपने बच्चों को फीड करवाता है। तो आज एक मछेरे की कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो एक गांव में एक मछलियाँ पकड़ने वाला एक शख्स रहता है और वो रोज़ाना, उसकी ये रूटीन होती है कि सुबह वो निकलता है और जाता है, जाकर मछलियाँ पकड़ता है और दूरी एक शहर होता है वहाँ जाता है, जाकर मछलियाँ अपनी फ़रोख्त करता है, करके वापस अपने बीवी बच्चों के लिए खाना पीने के जो भी इंतज़ाम होते हैं, बच्चों के लिए दूध वगैरह, वो सारी चीज़ें लेकर वो वापस घर आता है। उसकी रोज़मर्रा की रूटीन यही होती है। ऐसे में वो लोग सब शुक्र अल्लाह का कर रहे होते हैं, मजा ला रहे होते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो जो मछेरा होता है वो मछलियाँ पकड़ता है, पकड़ कर वो शहर में जाता है और देखता है कि उसका एक और दोस्त जो वहाँ पे ही मछलियाँ पकड़ता है उसके साथ, तो उसने एक बड़ी मछली पकड़ी होती है और उसको फ़रोख्त करता है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे, उसके बहुत ज़्यादा दाम उसको मिलते हैं और ये पूरे दिन की अथक मेहनत करके जो उसकी छोटी छोटी मछलियाँ वो बेचता है, बेचकर और उसको जो थोड़े बहुत पैसे रोज़ाना रूटीन के मुताबिक मिलते हैं वो लेकर ये वापस आ रहा होता है। तो उससे कहता है कि वो जो उसका दोस्त होता है उससे कहता है कि तुम भी क्यों नहीं ये काम करते कि तुम रोज़ाना इतना टाइम ज़ाया करते हो, छोटी छोटी मछलियाँ जमा करते हो, वापस आते हो, तुम्हें इतनी उजरत भी नहीं मिलती, तो तुम दिन में मेरी तरह एक बड़ी मछली पकड़ा करो और वो ला कर यहाँ पर दिया करो, तुम्हें दाम भी ज़्यादा मिलेंगे। अब जो वो मछेरा था उसके दिल में लालच आया कि भई बात तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि ये सारा दिन कुछ करता भी नहीं है और दिन में का कुछ हिस्सा जाकर दरिया के किनारे गुजारता है और वहाँ से बड़ी एक मछली पकड़ लेता है और पकड़ कर वही ला कर फ्रॉथ करता है और मेरे से दुगना कीमत भी, इसको उजरत भी मिल जाती है और वो जो जाके अपने बीवी बच्चों को अच्छे से खिला पिला भी सकता है। तो वो क्या करता है कि उसके दिल में एक लालच पैदा होता है, उस बंदे के दिल में एक लालच पैदा होता है कि मैं क्यों ना इसकी तरह करूं कि मैं भी जाकर मैं पूरा दिन अपना वक्त ज़ाया ना करूं और कोई एक बड़ी मछली लूं और वो लाकर फ़रोख्त करूं और मैं भी ज़्यादा उजरत पाऊं। तो उसकी बीवी उसे देखती है कि कुछ दिनों से वो बहुत परेशान और खोया खोया रहता है, तो मछेरे की बीवी उससे कहती है कि क्या बात है, आप बहुत दिनों से बहुत उदास हैं और बहुत खोए खोए रहते हैं, वजह क्या है आपकी इस उदासी की, वजह क्या है? तो आगे से कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरा एक दोस्त है, वो आज मुझे मिला और वो जो भी उसका माजरा होता है कि कुछ दिन पहले मुझे मिला और उसने ऐसे ऐसे किया। तो उसकी बीवी कहती है कि हमें जो मिलता है हमें उसमें ही अल्लाह का सब्र शुक्र अदा कर देना चाहिए, हमें लालच नहीं करनी चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला है। तो वो उसकी बात नहीं सुनता, अपनी बीवी की बात नहीं सुनता और एक दिन वो जाता है अपने दरिया के किनारे और वहाँ पर बहुत सारे जो भी आस पास के गाँव होते हैं सब वहाँ पर आते हैं, लोग आकर मछलियाँ वहाँ से पकड़ते हैं और फरोख्त करके इस तरह अपने ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे होते हैं। तो अब वो बंदा क्या करता है, जाकर जी मछेरा मछलियाँ अपना जाल दरिया में डालता है, डाल के और बैठ जाता है। काफ़ी देर बैठा रहता है तो उसको कुछ भारी सा महसूस होता है, तो बड़ा खुश होता है कि आज तो कोई बड़ी मछली मेरे जाल में आ गई। वो जाल बाहर खींच के निकालता है और जब निकालता है देखता है छोटी छोटी मछलियाँ, तो कहता है अच्छा अभी क्या, अभी तो 10-11 ही बजे हैं दिन के। वो वापस फेंक देता है उन सब मछलियों, कहता है मैं तो आज बड़ी मछली लेकर जाऊँगा और ज़्यादा दाम पाऊँगा उसके। फिर 2-3 घंटे वो इस तरह बैठा रहता है, धूप भी सख्त होती है पर बैठ के वो दरिया के किनारे इंतज़ार करता है। फिर उसको जाल में कुछ भारी भारी फील होता है, वो क्या करता है फिर वो बहुत खुश होता है और फिर वो वापस जाल अपना दरिया में से वापस बाहर खींच लेता है। जब वो दरिया में से बाहर खींचता है तो फिर भी देखता है वही छोटी छोटी मछलियाँ, तो उसके फिर दिल में फिर लालच आता है कि नहीं भाई मैंने तो एक बड़ी मछली लेके जानी है और मुझे ज़्यादा दाम चाहिए उसके,
वो दोबारा, वो छोटी मछलियाँ होती हैं उनको दोबारा दरिया में फेंक देता है। अब शाम भी पास पास होने वाली है, वो दोबारा दरिया में अपना जाल फेंकता है, फेंक के बैठ जाता है। काफ़ी देर इंतज़ार करता रहता है, उसको कोई बड़ी मछली क्या छोटी मछलियाँ भी उसके जाल में नहीं आती है। और वो इंतज़ार कर करके जब थक हार जाता है तो वो वापस अपने जो चीज़ें होती हैं वो समेटता, अपना जाल समेटता और वापस घर आ जाता है। और उस रात उसके बीवी बच्चे जो होते हैं उन सबको भूखा सोना पड़ता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। रोज़ाना जाता है मछलियाँ बेच के पैसे लेकर आते हैं, तो घरेलू जो उसकी ज़िंदगी होती है वो चल रही होती है। तो अब उसके पास कोई खाने पीने के लिए कोई पैसा नहीं था और उसके बीवी बच्चे सब भूखे सो गए। तो इस कहानी से हमें यही, मेरे जो छोटे छोटे बहन भाई मुझे देखते हैं, मेरे बच्चे मुझे देखते हैं, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। अल्लाह पाक जो दे रहा होता है इंसान जब मेहनत करता है तो उसमें उसको अल्लाह पाक का दिया हुआ समझकर और सब शुक्र अदा करके आपको खाना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक उसमें और बरकत डालेगा। जब आप कहेंगे शुक्र अमीन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ये दिया वो दिया, और आप लालच नहीं करेंगे, आप हसद नहीं रखेंगे किसी से, तो फिर देखना अल्लाह पाक किस तरह सबब और किस तरह आसानियाँ पैदा करता है और किस तरह रास्ते खोल देता है हम जैसे गुनहगारों के लिए, कि आपको पता भी नहीं चलता कि गैब से अल्लाह पाक आपके लिए मदद फरमाता है। जब कहते हैं कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो फिर 100 दरवाजे और अल्लाह पाक खोल देता है उस इंसान के लिए, कि देखो अगर ये रास्ता बंद हो गया तो कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल कर। इसलिए अल्लाह के साथ पे भरोसा रखना चाहिए हमेशा, हमें इस कहानी से ही सबक मिलता है। और लालच बुरी बला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो हमारा लास्ट सेगमेंट और उसके जो तीन क्वेश्चन हैं वो मैं आपकी खिदमत में पढ़ के बारी बारी एक एक पढ़ती हूँ। तो इंशाल्लाह हमेशा की तरह इसके जवाब आते मुझे इंस्टा पर बहुत ज़्यादा DM आने वाले हैं और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है जी, कुरान मजीद में कितनी मरतबा खैरात का हुक्म आया है, कुरान मजीद में कितनी मरतबा दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है। और हमारा तीसरा और इस सेगमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, कौन से बादशाह हर साल अपने हाथों से कुरान पाक लिखते थे। तो आई होप कि आप लोगों ने ये जो तीनों क्वेश्चंस थे वो लिख लिए होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं लिखे और आप लोगों को नहीं पता चला मैंने क्या बोला है, तो आप लोग रिमाइंड करें और इन क्वेश्चंस को लिखें और आंसर दें हमेशा की तरह। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा मेरे साथ, आप लोग मेरे साथ ही, हमारे जो नातवान भाई थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और थ्रू आउट उन्होंने हमारा पूरा रमज़ान साथ दिया। और उसके साथ साथ आप लोगों का शुक्रिया कि जो मेरी YouTube फैमिली दिन ब दिन बढ़ते से बढ़ती जा रही है और मुझे इतनी अच्छी अच्छी दुआएँ दे रहे हैं सब, और इतना अच्छा अच्छा लिखते हैं मेरे लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल इसी वक्त, और इसमें मैं कोशिश करूँगी कि कोई और टॉपिक लेकर आऊँ और कोई और कहानी, बस कहानी मुझे बयान करनी तो नहीं आती किस्सा, पर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ रोज़ाना आकर मुलाकात कर सकूँ और कुछ ना कुछ बयान कर सकूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल सेम टाइम, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमेशा इस तरह दुआएँ मुझे देते रहें, मुझे आपकी दुआओं की बहुत बहुत ज़रूरत है। और दुनिया में जितने भी बहन भाई मुझे इस टाइम देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों के नसीब अच्छे फरमाए और आप लोगों के रिस्क में अल्लाह पाक तरक्की फरमाए, और आपकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदके कबूल मंजूर फरमाए। तो मिलते हैं कल तक के लिए, फ़ीमान अल्लाह हाफिज़।